दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज दिन है बुधवार और आज है प्रदोष। तो मैं हूँ आज प्रदोष का व्रत और यहाँ पे मतलब मेरा सारा काम उम हो गया। चाय वे मैं सब पी चुकी हूँ और चाय वे पीने के बाद मतलब पूजा वूजा सब कर चुकी हूँ। और यहाँ पे कल इनके दुकान पे ना इन्हें कोई 100-150 के करीब आम दिया था, तो मम्मी कहीं कि इसे काट दो, थोड़ा सा अचार बना दूंगी और थोड़ा सा महर बना दूंगी। तो बस वही मैं और मम्मी सब मिलकर अब इसे काट रहे थे, तो बस इसे मैं काट ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरह मैं छोटा छोटा पीस अचार का काट दूँ, क्योंकि अचार ना यहाँ तो कोई, मुझे भी अचार नहीं उतना पसंद है, ना मेरे बच्चे उतना अचार खाते हैं, लेकिन छोट फिर भी है। जैसे पूना जाता है, रेणु सागर जाता है या फिर दीदी लोग आ जाते हैं, तो सबको थोड़ा बहुत दिया जाता है ना, तो इतना है, मम्मी तब से बना देंगी। उसके बाद जब मेरे मायके से अचार आएगा, अरे सॉरी आम आएगा ना, तो फिर और बना, क्योंकि मेरे यहाँ बगीचा बहुत है, तो मेरे यहाँ आम बहुत होता है, तो वहाँ से ही आ जाता है अक्सर आम उम। तो इनके दुकान पर कोई था, इनके दोस्तों से दिए थे, तो मम्मी वही कह कि इसमें तो ज़्यादा गुच्छा वाले आम नहीं, फिर भी मम्मी कहें कि काट दो, थोड़ा थोड़ा बना दूँ। तो बस वही मैं काट रही, तो मम्मी पूरा बैठ के इसका बिया निकाली थी, और इसमें जो पतला पतला परत होता है छिलका का ना, तो मम्मी वो भी सब निकाल दे रही थी। अब मम्मी भी नहा धो चुकी, इनको सबको मैं नाश्ता वास्ता सब दे चुकी हूँ। तो बस ये हुआ कि पहले चलो यही काम हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं आगे का काम करती हूँ। और एक काटने पर ना मैं थोड़ा सा अमहर के लिए काट दूँ, अमहर के लिए तो ज़्यादा नहीं, बस दो दो फाकी करना है आम। ये देखिए, अमहर के लिए बस मैं इसी तरह से दो दो फाकी कर दूंगी। और अभी छीली नहीं, मम्मी कहीं छील दोगे ना तो बहुत छटकता है इस पर, तो इसलिए अभी छीली नहीं, अभी इसे पूरा काट लूंगी, तब इसे पूरा छीलूंगी जो अमहर बनेगा। आम और अचार का तो नहीं छीला जाएगा, लेकिन इसका छीला जाएगा। देखिए, पूरा काटने उठने के बाद जितना भी अमहर वाला है तो मैं सब छील दे रही हूँ। मम्मी वही जो अचार के लिए काट रही है, तो उसी का सब छिलका उतार रही। तो यहाँ पे थोड़ी मदद प्रिंसी भी कर रही है, शिवांश कर रहा था कि दो मम्मी हम काट दे, सो रहा था कहीं नहीं बेटा ये चोक बहुत है, अगर उंगली जरा से भी छटकेगा तुरंत उंगली उतर जाएगी। मेरी बहन थी ना छोटी वाली, तो उसकी उंगली ऐसे ही कट गई थी एक बार, सरोता से ही वो आम उम काट रही थी, नहीं सरोता से नहीं, जो गड़ास होती है ना, अरे क्या कहते हैं उसको, चारा मारने वाली, तो उसी से उसका कट गई थी एक उंगली। तो देखिए, यहाँ पे सब हो गया था, तो यहाँ पे मम्मी सब छिलका उलका कहीं मम्मी से बाहर फेंक दो, तो वही मम्मी से पूछे इसे धोया जाएगा, तो मम्मी कहीं नहीं धोया नहीं जाएगा, इसे बस थोड़ा मतलब धूप दिखा के तो फिर उसके बाद बना देंगी। और अमहर तो खूब सुखाया जाएगा, अमहर ना कम से कम धूप में इसे खूब अच्छे से सुखाया जाएगा। तो वहाँ का सब काम उम करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और अभी तक अभी लाइट नहीं आई, लाइट वही 10:30 करीब आएगी, तब से मैं कही चलो सब्जी उब्जी बना लूँ, क्योंकि मम्मी कहें कि वही नेनुआ रखा है उसी की सब्जी बना दो। आज ऐसा था ना, रात का खाना मेरा पूरा बच गया था, कल ये भी नहीं खाए थे, मैं भी नहीं खाई थी, पता नहीं क्यों कल किसी का मन ही नहीं हुआ खाना खाने का। ऐसा था ना, कल लड्डू लेते आए थे भगवान जी का प्रसाद, हनुमान जी का कोई चढ़ाया था, तो एक एक दो लड्डू सब खा के पानी पी लिए थे प्रसाद, तो इसलिए फिर किसी का मन नहीं किया था। तो आज वही खाना है, बस मैं सब्जी भर बनाऊंगी, रोटी नहीं सेकूंगी, तो वही खाना मतलब मैं बताई हूँ, बस दो ही जन है मम्मी, शिवांश उतना खाएगा ना, क्योंकि उसका पेट अभी नहीं सही हुआ है। तो यहाँ पे बस देखिए, मैंने शिवांश कहा कि मम्मी वही नेनुआ की सब्जी बना दो सादा, और हमें हमारे लिए ताज़ा रोटी सेक देना, तो बस शिवांश भर के लिए मैं 2-3 रोटी सेकूंगी, अब मम्मी और प्रिंसी वही खा लेंगे, क्योंकि मम्मी कहें कि फेंकना मत, हम लोग खा लेंगे, तो मैं कही चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं नेनुआ काट ली और एकदम इसकी सादा सब्जी बनाऊंगी, बस हल्का सा जीरा और एक मिर्ची डाल के बस इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं सब्जी उब्जी छौंक दे रही हूँ, सब्जी उब्जी छौंकने के बाद ना अभी लाइट आ गई है, तो मैं वहाँ पे लगा दी हूँ कपड़ा भी, साथ साथ मेरा कपड़ा भी धुल रहा है। और यहाँ पे मैं सब्जी भी छौंक दे रही हूँ, सब्जी छौंकने के बाद फिर थोड़ा सा चावल उसे फ्राई कर दूंगी, तो बस वही सब खा लेंगे। और जो ये नेनुआ की सब्जी होती है ना, फायदा ही बहुत करती है, बहुत जल्दी बन भी जाती है, एकदम सादा सब्जी रहती है, ना ही कोई मसाला रहता है, ना कोई मिर्च पाउडर, इसलिए बहुत जल्दी बन जाती है और अच्छी भी रहती है।
और इसमें नमक बहुत हल्का सा डालना है, मतलब एक चुटकी से भी कम, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है ना, इसमें नमक भी बहुत ही कम पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा चावल है, चावल ज़्यादा नहीं, बस बहुत थोड़ा सा चावल था, तो इसे मैं फोड़ के रख लूँ जब तक मेरी सब्जी हो जाएगी ना। सब्जी तो 2 मिनट में बस गल जाएगी, तो यहाँ पे तब तक मैं चावल फोड़ के रख लूँ। यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी भी हो गई है, देखिए ऐसे मैं अब एक टिफिन में निकाल दूँगी और इसी कढ़ाई में कर दूँगी चावल को फ्राई। तो यहाँ पे कढ़ाई धोने के बाद मैं इसमें मैं डाल दे रही 2 चम्मच के करीब देसी घी, और इसी में थोड़ा सा मूंगफली को फ्राई कर लूँगी। पहले एक मिर्ची काट ले रही हूँ और बस थोड़ा सा मतलब 20-25 दाने करीब मूंगफली डाल के थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ। बिना मूंगफली के बनाऊँगी ना तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं, तो बस उसे हल्का सा, बस मूँगफली जब मेरी रोस्ट हो जाएगी ना तो इसे चावल में ही निकाल के और जीरा और मिर्चा का तड़का लगा के बस एक चुटकी से भी कम इसमें हल्दी डाल दूँगी और बस इसे ऐसे तल के चावल को और रख दूँगी। और इनम बिचर काम इतना पड़ जा रहा है कि काम की वजह से मैं बिल्कुल भी सिलाई नहीं कर पा रही। आज ब्लाउज में कितने दिन से, कम से कम एक हफ्ता से एक ब्लाउज काट के रखी, मुझे समय नहीं मिला कि मैं उस ब्लाउज को सिल लूँ। यही सब काम करते करते एक बज जा रहा है, तो इनकी सबकी छुट्टी भी रहती है। आज भी ये सब स्कूल नहीं, क्योंकि आज से इनकी सबकी छुट्टी पड़ गई है तो ये सब स्कूल नहीं गए हैं। और यहाँ पर चावल फ्राई करने के बाद उसे ढक दी हूँ और गैस को कर दी हूँ बंद, क्योंकि कढ़ाई गर्म है ना तो उसकी वजह से चावल भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कल रात ये सब्जी ले आए थे, टमाटर, नेनुआ, भिंडी, तो ये सब है, तो मैं इसे रख दे रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि रात ही सब सब्जी धो के रखी थी ना तो इसका पूरा पानी सूख गया था, तो इसे मैं रख दे रही हूँ फ्रिज में। और इसे रखने के बाद वहाँ पे मम्मी कर रही हैं सारा कपड़ा फोल्ड, जितना भी कल सब कपड़ा धोई थी ना तो वहीं भाभी कमरा में रख दी थी, तो मम्मी सब फोल्ड कर रही हैं। तो चलो थोड़ा बहुत मैं भी कपड़ा फोल्ड करवा लूँ, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और मम्मी कब से वहाँ पर अकेले ही फोल्ड कर रही हैं, तो बस मैं जा रही हूँ वहाँ पर। देखिए आधा ज़्यादा कपड़ा मम्मी फोल्ड कर चुकी हैं, बस थोड़ा सा और रह गया था, इसे मैं अभी करवा ले रही हूँ। और क्या करवाई, तो फोल्ड कर ही रही तब से प्रिंसिया कहीं मम्मी भूख लगी है, चलो खाना दो, तो मम्मी कहीं जाए लोग को खाना दे दूँ, क्योंकि नाश्ता भी आज बहुत हल्का किए थे ना वैसा नाश्ता, क्योंकि नाश्ता में सब हिरमाना था वही काट के खाए थे आज, तो मम्मी कहीं जाए उन लोग को सबको दे दूँ। मैं कपड़ा सब फोल्ड कर ले रही हूँ, तो बस यही एक दो कपड़ा मैं फोल्ड करके फिर चली जाऊँगी प्रिंसी को खाना देने। और शिवांश मम्मी अभी नहीं खाएंगे, बस प्रिंसी भर को भूख लगी तो प्रिंसी को मैं चल रही दे दूंगी, तो उसके बाद मम्मी और शिवांश बाद में खाएंगे। तो देखिए जो रात की रोटी बची थी ना, स्वीप में हल्का सा देसी घी लगा के इसे घस दूंगी पराठा के जैसे, तो यही प्रिंसी को दे दूंगी और इनको सबको पसंद भी है सब। और नेनुआ की सब्जी के साथ ना चाहे पराठा हो चाहे रोटी वोटी घस के खाओ तो बहुत ही टेस्टी आती है। यहाँ पे मेरे यहाँ ना इन्हें अगर जैसे नेनुआ की सब्जी बनती ना तो इन्हें पराठा ही उसके साथ बहुत पसंद है। और बाकी का जो चावल था मैं प्रिंसी को थोड़ा सा वो भी दे दूँ, इनको सबको दे दूँगी खाना, इनको सबको क्या मतलब जैसे प्रिंसी भर को दूंगी। और ये देखिए आप लोग भी आइए खा लीजिए गरम गरम खाना। और प्रिंसी को खाना देने के बाद फिर मैं आ गई थी कमरा में, इनका सबका जितना भी स्कूल ड्रेस है, सॉक्स, टाई, बेल्ट ना, तो ये सब मैं एक थैली में करके रख दे रही हूँ झोले में करके, क्योंकि अब इनकी सबकी स्कूल बंद हो गई, अभी इनकी सबकी स्कूल खुलेगी एक 1.5 महीना के बाद ही खुलेगी, तो उसे मैं एक साइड सब अच्छे से रख दूँगी। और वो सब करने के बाद फिर यहाँ पर मेरा कपड़ा भी पूरा हो गया था, मतलब सब धुल के सब वॉश भी हो गया था, तो इसे मैं फैला दे रही हूँ आंगन में। अब मम्मी को खाना दे दी, शिवांश भी आ गया कमरा में खाना खा रहा है, यहाँ पे मम्मी भी खा रही हैं। इनको सबको देने के बाद फिर मैं चलूँगी अपने लिए भी कुछ खाऊंगी, अब बनाऊंगी तो नहीं कुछ, क्योंकि गैस तो हो गई है जूठी, तो फिर कौन चले पोछे ओछे, तो मैं चलूँ कुछ देखूँगी फल फूल ना तो कुछ वही खा लूँगी। कल एक खरबूजा ले आए थे, हिरमाना ले आए थे, तो कल सब ले आए थे ना, तो यहाँ पे देखिए मैं एक खरबूजा भगवान जी को चढ़ाई थी, तो मम्मी कहीं पहले उसी को काट लो। तो ये देखो मुझे प्यास, मतलब काम के आगे इतना समय नहीं मिलता कि मैं एक गिलास पानी पी लूँ, तो ये प्रिंसी से मैं कही कि प्रिंसी एक गिलास मुझे समरसेबल चला के एक गिलास ठंडा पानी और थोड़ा सा गुड़ दे दो, तो मैं एक गिलास पानी पी लूँ तब इसे खाऊं। तो यहाँ पे जो भगवान जी को मतलब चढ़ाए थे वही प्रिंसेस कही लो सबको एक एक दे दो प्रसाद, और आइए आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए शंकर जी का।
आज प्रदोष था ना, तो वही चढ़ाई थी खरबूजा में। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसी मुझे पानी लेती आई, हो गई है गुड़ ले आने, क्योंकि गुड़ तो खत्म हो गया था, लेकिन भगवान जी के मंदिर में हमेशा एक डब्बा गुड़ रखे रहती हूँ ना। तो प्रिंसेस कही कि जाओ वहाँ से ये गुड़ लेती आओ। प्रिंसी इतना बड़ा गुड़ लेती आई कि वो मैं कही कि इतना मैं बड़ा नहीं खाऊँ, कहीं लो मम्मी आधा खा लो, तो मैं आधा ले लूँगी और आधा रख दूँगी, बाद में खा लूँगी। और प्रिंसी को भी दे दी हूँ प्रसाद। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में आप सबसे फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।